तो मैं आ चुका हूँ प्रयागराज से हरिद्वार अपने हेयर ट्रांसप्लांट जर्नी के लिए। आप सब बने रहिए मेरे साथ मेरे हेयर ट्रांसप्लांट प्रोसेस के लिए। हेलो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ध्यान रहे बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो का अपडेट आपको समय समय पर मिलता रहेगा। हेलो, मेरा नाम विकास अग्रेदी है और मैं प्रयागराज सिटी के कौशाम्बी जिले से हूँ। मेरी एज 28 है और मेरा जो हेयर लॉस है वो जेनेटिक है, मेरे फादर साइड से है और ये करीब 3-4 साल से है। तो 1-2 साल तो समझ में नहीं आया, बाल जा रहे हैं ठीक है, इतना कंसर्न किया नहीं। बाद में जब ही ज़्यादा होने लगा तो थोड़ा दिखने भी लगा, तो फिर मैंने इधर उधर ट्राई करना चालू किया कि हेयर लॉस कैसे रोका जाए। तो मैंने दवाइयाँ कुछ की थी जो कि काम नहीं आई, तो बाद में किसी ने बताया कि नहीं, हेयर ट्रांसप्लांट बेटर है, दवाइयाँ तो हेयर लॉस में आपको सिर्फ रोक सकती है, वो भी बहुत टाइम लगेगा और कुछ पता भी नहीं कि ये परमानेंट रहेगा या नहीं रहेगा। तो बाद में मैंने YouTube में सर्च करना चालू किया, काफ़ी वीडियोस देखे कई क्लिनिक के, मैंने कई क्लिनिक में फ़ोन करके भी पता किए कैसा क्या है, कहीं पर रेट इतना ज़्यादा था कि मैं अफोर्ड नहीं कर सकता था। बाद में सभी एनालिसिस करके फिर मुझे QST बेस्ट लगा, उनके रिजल्ट भी अच्छे लगे, प्राइस भी अफोर्डेबल है, प्राइस भी इतना ज़्यादा नहीं, कोई भी मिडिल क्लास फैमिली का बंदा हेयर ट्रांसप्लांट करा सकता है यहाँ पे। पहले लोग बोलते थे नहीं, हेयर ट्रांसप्लांट तो बहुत महंगा, ये तो सिर्फ सेलिब्रिटी और एक्टर ही करा सकते हैं, आम इंसान के बस की बात नहीं है। बट QST में ऐसा कुछ भी नहीं है, आप आइए, आपको ये थ्रोली चेक करेंगे और यहाँ पे वेल एक्सपीरियंस डॉक्टर हैं जो वो आपकी रिपोर्ट देखेंगे और फिर आपको वो सलाह देंगे कि आगे का क्या प्रोसेस है। और बाकी तो अभी मेरा एक्सपीरियंस अभी तक का बहुत ही अच्छा रहा, मेरे रिपोर्ट सारे नॉर्मल थे और आगे का प्रोसेस अभी चालू होने वाला है और जैसा होता है मैं आपको बताता हूँ। मैंने जब भी YouTube में सर्च किया QST के बारे में तो मैंने वहाँ से नंबर पिक किया और मैंने ऑनलाइन कंसल्ट किया, बहुत ही अच्छे से बात की वहाँ पे रिसेप्शनिस्ट से और उन्होंने मेरी पिक्चर्स मांगी ऑनलाइन इवेल्युएट करने के लिए कि कितने ग्राफ्ट लगने हैं। तो उन्होंने अप्रॉक्स बताया मुझे 3000 to 4000 बोला मेरे केस में। और अभी मैं यहाँ पे फिजिकली आज हूँ QST हरिद्वार में, बहुत ही अच्छा लगा, यहाँ का जो वाइब है, यहाँ की जो क्लीननेस है, हाइजीन है और स्टाफ बहुत ही अच्छे हैं यहाँ पे। और अभी मेरा हेयर ट्रिम होना है, उसके बाद हेयर लाइन डिज़ाइन की जाएगी। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं मेरे बाल अभी ऐसे हैं और मुझे लगता है शायद 3000-3500 के बीच में हो जाना चाहिए, बाकी डॉक्टर क्या बोलते हैं देखते हैं। उसके बाद हेयर लाइन डिज़ाइन के बाद स्लिट मेकिंग होगी और फिर OT में जाऊंगा, तो वहाँ पे मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगा। अभी तो मतलब ऑपरेशन होना है तो थोड़ा नर्वस हूँ, डर लगता है थोड़ा सा, बट यहाँ पे डॉक्टर ने बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया, तो ऐसा उन्होंने बोला कि डरने की कोई बात नहीं, ये सिर्फ नॉर्मल एक प्रोसेस है। तो डॉक्टर ने काफ़ी कॉन्फिडेंस बिल्डअप किया है, बाकी देखते हैं। तो अभी मैं आपसे मिलूँगा सर्जरी के बाद और मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहेगा, शुरू से लास्ट तक कैसा गया, कहाँ पे दिक्कत आई, कैसा रहा, मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। QST, थैंक यू।
Now you can book a free online video consultation with our expert by clicking on the number given in the description. सर्जरी कंप्लीट हो चुकी है। कल मेरी सर्जरी चालू हो गई थी। कल 2 घंटे लगे थे और आज सुबह 8 बजे से 3:30 बजे तक शाम के सर्जरी मेरी कंप्लीट हुई। और मेरी जो सर्जरी हुई है वो FUE एडवांस टेक्निक QST के द्वारा हुई है। और मेरे जैसा कि आप देख सकते हैं, मेरे टोटल 3,800 ग्राफ्ट लगे हैं और ओवरऑल एक्सपीरियंस सर्जरी का बहुत ही अच्छा रहा। सारे वेल एक्सपीरियंस डॉक्टर थे, स्टाफ बहुत अच्छे थे, टाइम टाइम पे आते थे, हालचाल पूछते थे, पेन तो नहीं है और कोई कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, टाइम टाइम पे वॉशरूम जाने के लिए, पानी पीने के लिए टाइम देते थे। और बाकी तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा। अगर कोई मेरी तरह जिसको हेयर फॉल की प्रॉब्लम है वो यहाँ पर आ सकता है, वो यहाँ पे आके निराश नहीं होगा। बहुत ही अच्छा यहाँ का माहौल है, यहाँ के स्टाफ भी बहुत अच्छे हैं, डॉक्टर भी बहुत अच्छे हैं, क्लिनिक का हाइजीन बहुत अच्छा है और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट बहुत अफोर्डेबल है, बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है। आप बाकी जगह पता करेंगे तो मिडिल क्लास लोगों के लिए आप बोलेंगे अफोर्ड नहीं कर सकते, बट यहाँ पर कोई भी आके ट्रांसप्लांट करा सकता है। सर्जरी के बाद डॉक्टर ने कुछ इंस्ट्रक्शन दिए थे जो कि फॉलो करने हैं मुझे, एटलीस्ट 10 to 15 days, मैक्सिमम 1 month। तो मुझे स्मोकिंग नहीं करनी, मुझे अल्कोहल नहीं यूज़ करने और मुझे हार्ड वर्क जैसे जिम, स्पोर्टिंग नहीं करनी, आउटसाइड जैसे क्रिकेट वगैरह खेलना वो सब नहीं करने मुझे, और डायरेक्ट सनलाइट से बचना है। और उन्होंने बोला है कि कैसे आपको लेटना है और कैसे अवॉइड करना है कि आपके जो ट्रांसप्लांटेड हेयर हैं वो आपके पिल्लो या किसी चीज़ से रबना हो। और उन्होंने इंस्ट्रक्शन कुछ मेडिसिंस भी दी हैं, अगर स्वेलिंग है तो तभी लेना है, बाकी मुझे तो कोई स्वेलिंग नहीं अभी तक और सर्जरी के द्वारा कोई पेन भी नहीं हुआ। पेन किलर भी दिया उन्होंने लेकिन मुझे कोई भी पेन नहीं हुआ और बहुत ही बढ़िया मेरा सर्जरी गया, आप कह सकते हैं टोटली पेनलेस। तो अभी तो सब अच्छा हो गया है, अभी लेट्स होप फॉर द बेस्ट रिजल्ट और मैं जल्दी आपको अपने रिजल्ट के साथ मिलता हूँ। थैंक यू QST, थैंक यू स्टाफ। हेलो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ध्यान रहे बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो का अपडेट आपको समय समय पर मिलता रहेगा।